चलिए अब आते हैं नंबर के ऑल्टरनेट्स पे। नंबर का बिहेवियर तो आपने देख लिया, आप देखते हैं बाकी क्या करते हैं। चलिए नंबर के कुछ और एग्जांपल्स। अब आइए पार्स आइंटी वन, क्या करेगा पार्स आइंटी वन का वन देगा, राइट। क्या करेगा पार्स आइंटी जीरो पे, वेरी गुड, जीरो देगा, परफेक्ट। क्या करेगा पार्स आइंटी स्पेस वाले वन पे, वन दे देगा, राइट। क्या करेगा पार्स आइंटी एम्प्टी स्ट्रिंग पे, नंबर के जैसे जीरो देगा, नहीं, एनएन। तो आप मानते हैं नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर है, नंबर बोलता है एम्प्टी स्ट्रिंग जीरो होनी चाहिए, एक्मा बोलती है एम्प्टी स्ट्रिंग जीरो होनी चाहिए, पार्स आइंटी बोलता है नहीं हमारे यहां एनएन होता है, राइट। सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड। देन 12.2, पॉइंट टू चॉप हो जाएगा, हो जाना चाहिए क्योंकि वो पार्स आइंटी है, राइट। पार्स आइंटी 182, वन आ जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड बिहेवियर है, एक्मा का कहना है 182 कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्स आइंटी ए टू को हटाकर वन ले आता है, फाइन। A12 NAN। अब बताइए पार्स आइंटी ऑफ ट्रू NAN, जबकि जावास्क्रिप्ट का क्या मानना है ट्रू वन है, राइट। पार्स आइंटी ऑफ फॉल्स NAN, पार्स आइंटी ऑफ नल कितना होता है, नल का न्यूमेरिक जीरो होता है ना, लेकिन ये बोलेगा NAN, ये बोलेगा NAN, राइट। और पार्स आइंटी अनडिफाइंड NAN, तो पार्स आइंटी खत्म आज से, फाइन, अपन को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि जिस दिन डायलॉग बॉक्सेस यूज हुए थे उस दिन नंबर फंक्शन पढ़ा नहीं था, अब पढ़ लिया, अब हम जितने एग्जांपल्स करेंगे हम पार्स आइंटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, वरना हमें पता ही नहीं चलेगा कोड कब क्या आउटपुट देगा, राइट। बहुत अजीब अजीब बिहेवियर नहीं है, कभी किसी पे नल, कभी किसी पे NAN, कभी किसी पे वैल्यू, कभी इंटीजर दे देता है, स्ट्रिंग काट देता है, इसलिए। और फिर ये जो पार्स आइंटी है ये अलग अलग JS इंजन में अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, ये भी याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये किसने बनाया है, ब्राउजर ने, ये एक्मा का नहीं है, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि क्रोम का JS इंजन जो कर रहा है वही मोज़िला वाला भी करेगा, इसलिए इट्स नॉन स्टैंडर्ड वे ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू नंबर। चलिए पार्स फ्लोट चलेगा, पार्स फ्लोट ऑफ वन। अब इसमें भी देखिए ट्विस्ट, मिलना चाहिए 1.0, मिलना चाहिए 1.0 ना, तो देता है वन, राइट, जीरो जीरो। पार्स फ्लोट आगे पीछे स्पेस के साथ वन, स्पेस ट्रंकेट हो जाएगी वन। पार्स फ्लोट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, अपने भाई की तरह NAN, NAN, जीरो नहीं, NAN, ठीक है। पार्स फ्लोट 12.2, यस 12.2। पार्स फ्लोट 182, वन। पार्स फ्लोट A12, NAN। पार्स फ्लोट ट्रू, NAN। पार्स फ्लोट फॉल्स, NAN। पार्स फ्लोट नल, NAN। पार्स फ्लोट अनडिफाइंड, NAN। सब NAN। 12.0 A क्या आएगा, 12.0 के 120 A, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्या पूछ रहे हैं प्रतीक, 12.0 आएगा, आप पॉइंट देंगे तो पॉइंट देगा ना, मतलब 12.0 उठाकर 0.0 ड्रॉप कर देगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं A हटा देगा, 12 उठा लेगा, 0.0 नहीं देता अपनी तरफ से, ट्रेलिंग जीरोस नहीं देगा, गॉट इट। पार्स फ्लोट ट्रू इज नॉट वन, हाँ तो पार्स आईएनटी भी तो नहीं देता है ना, पार्स आईएनटी और पार्स फ्लोट बूलियंस पे काम नहीं करते, क्लियर हुआ हर्ष, ठीक है। अब आप लोग लास्ट पढ़िए फ्लोर, फिर अपन फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है ना इतने सारे एग्जांपल देखकर, कब क्या आएगा,
तो उसका एक फाइनल स्लाइड है, वो स्लाइड पढ़िए, सारे कंफ्यूजन दूर। ठीक है, चलिए अब मैट डॉट फ्लोर देखिए और बताइएगा नंबर और मैट डॉट फ्लोर में क्या डिफरेंस है। मैट डॉट फ्लोर वन क्या देगा? वन। नंबर भी वन देता था, नंबर भी वन देता था, शाबाश। मैट डॉट फ्लोर जीरो, जीरो। मैट डॉट फ्लोर स्पेस वाला वन, वन। मैट डॉट फ्लोर एम्प्टी स्ट्रिंग जीरो, नंबर भी जीरो देता है ना, राइट। मैट डॉट फ्लोर 12.2, बस यही गड़बड़ है, यस 12 देगा, 12.2 नहीं देगा। आई होप डिफरेंस दिख गया होगा, मैट डॉट फ्लोर और नंबर के बीच का डिफरेंस विजिबल हो गया होगा आपको, हो गया। बस एक ही डिफरेंस है, डेसिमल वैल्यूज पे फ्लोर उन्हें चॉप कर देता है और नंबर उन्हें रिटर्न करता है, राइट। नेक्स्ट 182 NaN, बिल्कुल नंबर इज बेटर। मैट डॉट फ्लोर ऑफ ट्रू वन, मैट डॉट फ्लोर फॉल्स जीरो, मैट डॉट फ्लोर नल जीरो, अनडिफाइंड NaN, राइट। अब फाइनल वर्ड्स, फाइनल वर्डिक्ट। जब भी आप JS में, पहली बात तो याद रखिएगा, कन्वर्ट करेंगे किसी को नंबर में, क्या यूज करेंगे? नंबर, ना पार्स इंट ना पार्स फ्लोर, ऑलवेज गो विद नंबर। रूल क्या कहता है? अनडिफाइंड होगा तो NaN आएगा, सही है, मेक सेंस, मानते हैं दिस बिहेवियर मेक सेंस। नल जीरो आएगा, राइट। ट्रू फॉल्स 10 बन जाएंगे। स्ट्रिंग देंगे तो अगर आगे पीछे स्पेस हुई तो ट्रंकेट हो जाएगी और बचे हुए डिजिट्स इंटीजर या नंबर बन जाएंगे, और अगर कोई अल्फाबेट हुआ स्ट्रिंग में तो NaN आएगा, है कि नहीं? सिंपल, एज सिंपल एज दैट, आपको कुछ कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, राइट right? बहुत सिंपल है। अनडिफाइंड का NaN, नल का जीरो, ट्रू फॉल्स का 10। रहा सवाल बाकी स्ट्रिंग्स का क्या करेगा, तो स्ट्रिंग के कंटेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये भोपाल का क्या करेगा? NaN, ठीक है। 123 भोपाल का क्या करेगा? 123 भोपाल, NaN, भोपाल 123, NaN। एवरी टाइम स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट आ गए तो ये दे देगा आपको NaN। इसलिए स्टैंडर्ड बिहेवियर यही है और यही लेकर चल रहा है, राइट। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है कन्वर्जन के लिए बूलियन। बूलियन बेचारा बहुत सिंपल है। बूलियन ये कहता है आप बूलियन को कुछ भी देंगे वो उसका आपको रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा लास्ट स्लाइड का एक कमेंट आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर के बैलून में, जरा उसे पढ़ लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू दिस पॉइंट। पढ़िए, ये बैलून आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, पढ़ लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। पढ़ ले पहले, आराम से आप पढ़ लें। पढ़ लिया, राइट। अब आपने इस बात को नोटिस करा कि जावास्क्रिप्ट ने बूलियंस के लिए दो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। एक का नाम है फॉल्सी, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर जेएस का इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं कभी तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर ट्रूथी एंड फॉल्सी इन जेएस। जस्ट अ मोमेंट, हाँ, व्हाट आर ट्रूथी एंड फॉल्सी। तो जेएस का मानना है ट्रूथी, जेएस उन वैल्यूज को मानती है जो वैल्यूज ट्रू में कन्वर्ट होती हैं, और फॉल्सी उनको मानती है जो फॉल्स में कन्वर्ट होती हैं। अब आप ये याद मत रखिए ट्रू में कौन कन्वर्ट होता है, आप ये याद रखिए फॉल्स में कौन कन्वर्ट होता है। जो इस ग्रुप में नहीं आएगा वो किस में कन्वर्ट होगा? वेरी गुड, वो ट्रू में कन्वर्ट होगा। तो जेएस कहती है जीरो फॉल्स है, होना भी चाहिए। एम्प्टी स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है। एन ए एन फॉल्स है, नल फॉल्स है,
अनडिफाइंड भी फॉल्स है, इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे ट्रू हैं। तो बताइए भोपाल क्या है? जेएस के लिए ट्रू है, एनएन मत बोल दीजिएगा, है ना। सचिन क्या है? ट्रू है। स्पेस क्या है, डबल कोट्स या सिंगल कोट के बीच में स्पेस, वो भी ट्रू है। और अगर आप पाइथन जानते हो तो ये बिहेवियर पाइथन में भी है, वहां भी ट्रूथी फॉल्सी होता है, यहां भी ट्रूथी फॉल्सी होता है। तो जेएस बोलती है मेरे यहां इतनी वैल्यूज फॉल्सी हैं, किसी भी तरह का जीरो फॉल्स है, किसी भी तरह का एनएन फॉल्स है, नल फॉल्स है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। ये रूल याद कर लीजिए, बूलियंस का बिहेवियर बहुत आराम से समझ पाएंगे। चले आगे, एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। बताइए, हाँ वर्ड्स के बीच में स्पेस भी ट्रू है। जब वर्ड आ गया चित्रांश तो स्पेस तो ट्रू होगी ना, वर्ड भी तो ट्रू है। यस और नो सोचो, अगर चित्रांश के हर अल्फाबेट के बीच में स्पेस डाल दी जाए तो खुद चित्रांश ट्रू था तो स्पेस वाला चित्रांश भी ट्रू होगा, राइट। बूलियन 10 क्या आएगा? ट्रू। बूलियन 0 ट्रू, सॉरी फॉल्स, माय मिस्टेक, फॉल्स। बूलियन भोपाल ट्रू। बूलियन फॉल्स, फॉल्स। बूलियन एम्प्टी स्ट्रिंग, आंसर आंसर आंसर, फॉल्स। बूलियन स्ट्रिंग विथ स्पेस ट्रू। बूलियन नल फॉल्स। बूलियन अनडिफाइंड फॉल्स। बूलियन एनएन वो भी फॉल्स। गॉट द पॉइंट? राइट, एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो आप इन्हें देख लें, पार साइंटी का बिहेवियर। लेट्स कीप द वैल्यू एज 1.3। कैन यू प्रेडिक्ट क्या आंसर आने वाला है 1.3 का? नंबर, पार्स इंट, पार्स फ्लोट और मैट डॉट फ्लोर, कौन क्या देगा? जल्दी बताइए, नंबर क्या देगा 1.3 पे? 1.3 देगा, वेरी गुड। पार्स इंट क्या देगा 1.3 पे? 1 देगा। मैट डॉट फ्लोर क्या देगा? वो भी 1 ही देगा। और पास फ्लोट 1.3 देगा। और ये सब डेटा टाइप क्या बताएंगे? ये सब लोग डेटा टाइप क्या बताएंगे? पहले वाले को छोड़ दें तो सब बताएंगे डेटा टाइप नंबर है। पहले वाले को छोड़ दें तो सभी बताएंगे कि डेटा टाइप नंबर है। सिंपल है? नेक्स्ट आंसर दीजिए। एक्स में 1 है, क्या होगा बूलियन ऑफ एक्स? ट्रू। और माइनस 1 होता तो? एक्स में माइनस 1 होता तो भी ट्रू, राइट। जेड में 0 है, क्या होगा बूलियन ऑफ जेड? फॉल्स, राइट। और डेटा टाइप? डेटा टाइप बूलियन के बाद बूलियन। सो चेक द आउटपुट, वंस नंबर था बूलियन ने उसे कन्वर्ट करा तो ट्रू बन गया, 0 नंबर था बूलियन ने कन्वर्ट करा तो फॉल्स बन गया। हुआ क्लियर? आगे बढ़ू। अब इससे भी इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। ये थे वो कन्वर्जन जो आप कर रहे थे, करेक्ट। नहीं प्रतीक, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। ओके, आप बाइनरी निकाल सकते हैं, देर आर लाइब्रेरीज, बट डायरेक्ट बाइनरी नहीं दे सकते अपन, फाइन। चलिए आप पढ़िए टाइप कोरिजन में जेएस क्या करती है, ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। बताइए प्लस के लिए क्या करती है? जल्दी जल्दी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। क्या करती है प्लस के लिए बताइए? वेरी गुड। अगर एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है, एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो सबको स्ट्रिंग बना देगी,
और अगर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है तो परफॉर्म करेगी मैथमेटिकल एडिशन। लेकिन यहां ये भी याद रखना, अगर आपने कहा है 10 प्लस 20 प्लस गुड, तो ये मत सोचना 10 20 स्ट्रिंग बन जाएंगे। आपको याद होगा इसमें जेएस लेफ्ट टू राइट चलेगी, जब लेफ्ट टू राइट चलेगी तो इनको अभी नंबर मान रही है ना। नहीं 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 गलत गलत उमेश, 30 गुड होगा ये। जिस वक्त प्लस सॉल्व होगा उमेश, उस वक्त 10 20 क्या है, नंबर्स है ना, गुड तो बाद में आएगा रस्ते में। हां अगर मैं आपसे कहूं अब क्या होगा, अगर ये होता गुड 10 प्लस 20 तब ये बनता गुड 1020। ठीक है, एग्जांपल्स पे आते हैं, बताइए 10 प्लस 20 30, गुड प्लस मॉर्निंग गुड मॉर्निंग 42 प्लस 0 420, 42 प्लस 0 42 क्यों होगा, 420, ट्रू प्लस फॉल्स, क्या ट्रू फॉल्स नंबर में कन्वर्टेबल है, हैं। अब यहां पर इंटरनली नंबर काम करेगा करेगा और ये बन जाएगा 1 प्लस 0 राइट। और आप मानते हैं इंटरनली पार्स एंटी काम नहीं कर रहा है, अगर अंदर पार्स एंटी काम कर रहा होता तो ये एन एन आते। जूम हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है क्या वीडियो, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स आपको प्लस होकर वन देंगे, ट्रू प्लस ट्रू आपको देगा 1 प्लस 1, आई गेट 2 एज द आंसर। ट्रू प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग, यस प्रतीक, ट्रू प्लस नल 0 डेफिनेटली राइट, सो आई गेट 2 एज अ स्ट्रिंग। हुआ क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब और स्पेशल है, ये तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, पढ़िए जरा बाकियों के लिए जेएस क्या करती है। ये कौन सा ऑपरेटर पढ़ा आपने अभी, अभी कौन सा ऑपरेटर पढ़ा, प्लस। अब बाकियों के लिए देखिए क्या करती है, पढ़िए। समझ आया, क्या समझ में आया बताओ। जेएस कहती है प्लस के अलावा अगर कुछ भी आपने लगाया तो वो वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेगी राइट। अगर कन्वर्ट हुआ तो ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर देगी मैथमेटिकल, और नहीं हुआ तो वेरी गुड तो देगी एनएन। तो बताइए ध्यान से देखना, डबल कोट में 10 प्लस डबल कोट में 20 1020 होता है ना जेएस में, लेकिन इसी डबल कोट वाले 10 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डबल कोट वाले 20 से, आंसर 200 आएगा। आया समझ, प्लस के लिए अलग बाकियों के लिए बिहेवियर अलग, ऐसा जावा में भी नहीं होता ना, और ऐसा पाइथन में भी नहीं होता राइट, बट जेएस में ऐसा है। जेएस कहती है अगर आप एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करेंगे किसी भी वैल्यू पे तो जेएस उसे पहले कन्वर्ट करेगी नंबर में, फिर वैल्यू अप्लाई करेगी। ठीक है, चलिए तो लास्ट एग्जांपल लेते हैं फिर ऑफ करता हूं। जावा में सिंटेक्स एरर है उमेश, जावा में मल्टीप्लाई स्ट्रिंग पे नहीं चलता राइट। चलिए 10 × 20 जवाब दें, शाबाश 200। गुड इंटू मॉर्निंग, नहीं कैसे गुड मॉर्निंग, मल्टीप्लाई है ना एन एन, मल्टीप्लाई है ना एन एन, प्लस होता तो गुड मॉर्निंग हो जाता राइट। 42 × 7 कैसी बात कर रहे हैं प्रतीक, क्या 42 इंटेजर में कन्वर्टेबल नहीं है बताओ,
तो फिर जेएस उसे कन्वर्ट करेगी, 42 को नंबर बना देगी और 42 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देगी एज 294, राइट? 42 माइनस 7 35, राइट? ट्रू इंटू फॉल्स, हाँ अब आ रहा है समझ में, ट्रू इंटू फॉल्स 0, ट्रू अपॉन फॉल्स अभी पढ़ा है आपने लास्ट लेक्चर में, सही? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अनडिफाइंड नहीं, फॉल्स क्या है, 0 है ना, यस इंफिनिटी, फॉल्स 0 है ना, तो ट्रू अपॉन फॉल्स इंफिनिटी, जावा की तरह एक्सेप्शन थोड़ी है यहां पर, राइट? ट्रू नॉट ट्रू, 1 का 1 से मॉड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या बचा, 0, भोपाल अपॉन 10 एनए, ठीक है? 2-3 दिन में आदत हो जाएगी आपको इसकी, बस इतना ही है, ऑपरेटर प्लस नहीं है तो वो ऑपरेंड्स को नंबर बनाएगा, बन गए तो ठीक, नहीं बन गए तो एनए, बहुत सिंपल है। अच्छा आप ये बताइए, इस ट्रू फॉल्स पे डबल कोट लगा दूं तो तब फिर एन एन आ जाएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग वाला ट्रू हो जाएगा, राइट? यस ठीक। आइए फ्राइडे, सॉरी वेंसडे लेते हैं इससे आगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कंट्रोलिंग डेसिमल पॉइंट एंड देन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट।